नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटिंग से किन किन पौधों की प्रोपिगेशन की जा सकती है। तो मैं आपको कुछ 13 ऐसे पौधे परमानेंट फ्लावर प्लांट्स बताऊंगा जिनको कि आप अभी अगस्त और सितंबर में कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली प्रोपोगेशन इनका हो जाएगा। तो प्रोपोगेट कैसे करना है, कटिंग किस साइज़ की लेनी है, किस पौधे के लिए कैसे जो है प्रोपोगेशन हमें सॉइल बनानी है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो कटिंग्स हमने लगाई हुई हैं उनकी रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा और कटिंग्स लगा के भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर चैनल वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे फ्लावर्स अभी इस समय हमारे बाग में खिल रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ही फ्लावर्स चाहिए और आपके पास कुछ पौधे हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत ही अच्छा समय है। जो रेनी सीजन होता है ये आप सभी को पता है, कटिंग्स प्रोपोगेट करने के लिए सबसे बेस्ट सीजन माना जाता है। तो इस पर 99% आपकी कटिंग प्रोपोगेट इस सीजन में होती ही है। तो बात करते हैं कि कौन कौन से पौधे की हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं कटिंग से, जिसमें सबसे पहला पौधा ये आप देखिए गुड़हल का पौधा, इसे आप कटिंग से बहुत ही इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसकी जो ब्रांचेज हैं आप पानी में भी चाहें तो इसमें रूट्स प्रोपोगेट कर सकते हैं या फिर चाहें तो मिट्टी में भी इसमें रूट्स आराम से आ जाती हैं। जो कटिंग प्रोपोगेशन के लिए आपको ब्रांचेज चाहिए वो देखिए इस प्रकार से, इतनी मोटी ब्रांच कम से कम लेनी चाहिए, कम से कम एक पेंसिल की मोटाई के बराबर ब्रांच लेनी चाहिए। और 4 से 6 इंच की अगर आप ब्रांच लेते हो तो बहुत ही अच्छी प्रोपोगेशन उसमें होती है। तो पहला पौधा है दोस्तों गुड़हल का पौधा, इसकी कटिंग आप बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। अभी दूसरे पौधे की बात करें तो ये देखिए कनेर का पौधा है, ये भी कई कलर में आते हैं, तो इसकी प्रोपेगेशन बहुत ही इजीली अभी इस सीजन में हो जाएगी। सेम चीज़ की आप इसके लिए भी कटिंग की, जो प्रोपेगेशन करने के लिए कटिंग लेनी है आपको, वो सेमी हार्ड ब्रांच लेनी है जो कि कम से कम 1-2 महीने पुरानी हो। बिल्कुल नई ब्रांच जो होती है उसमें रूट्स जल्दी डेवलप नहीं हो पाती हैं तो कटिंग फेल हो जाती है। तो आपको कनेर के भी पौधे की कटिंग लगाने के लिए कम से कम पेंसिल की मोटाई के बराबर थिकनेस आपको लेनी है ब्रांच की। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट पौधा है, ये चांदनी की कोई भी वैरायटी आप ले, किसी भी वैरायटी का पौधा हो उसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। तो इनकी भी कटिंग लगाने के लिए अभी बेस्ट टाइम है, इस टाइम पर इनकी कटिंग बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती है और आप फ्लावर्स देख सकते हैं कितने खूबसूरत फ्लावर इसमें खिल के आ रहे हैं। तो इनके लिए भी आपको कटिंग्स लेनी है, ये देखिए मैं दिखाऊँ साइज़ अगर कटिंग की, तो इस साइज़ की कटिंग्स आप ले सकते हैं और इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं इन्हें। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट पौधा है जिसकी हम बात करें कटिंग के लिए, तो ये देखिए ये टिकोमा का पौधा, ये 2 कलर में फिलहाल आते हैं। तो दोस्तों इसकी भी कटिंग आप बहुत ही इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं और एक पौधे से ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। फिर जो दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट पौधे की बात करें तो ये है हमारा इक्जोरा का प्लांट, इसकी भी कटिंग बहुत ही इजीली प्रोपोगेट हो जाती है। तो आप इसे भी एक एक पौधे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो पौधा है और इसमें जो फ्लावर्स आते हैं तो काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। तो इसको भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं फिलहाल इस टाइम अभी सितंबर तक कटिंग से। फिर ये आप देख सकते हैं ये चांदनी का पौधा, इसमें जब फूल देखिए काफ़ी ढेर सारी कलियां आ गई हैं और इसकी जो ब्रांचेज हैं बहुत मोटी ब्रांच नहीं, अगर आप इसमें ये देख मैं आपको दिखाता हूँ इस साइज़ की ब्रांच भी अगर कटिंग लगा देते हैं तो ये बड़ी इजीली ही प्रोपोगेट इसमें हो जाएगा, रूट्स बहुत आसानी से इसमें निकल आते हैं और एक ही पौधे से आपके गार्डन पूरा वाइट कलर के फूलों से भर जाएगा, काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। फिर दोस्तों ये है चंपा, आप देख सकते हैं ये थोड़ा इसमें अलग किस्म का है, ये इसमें खुशबू काफ़ी अच्छी है इसके फूलों में। तो इसको तो मैं ख़रीद के ले आया था, मैं अपना जो मेरा कटिंग से लगाया हुआ प्रोपेगेट पौधा है वो उसको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों ये पौधा मैंने कटिंग से प्रोपेगेट किया हुआ है और इसकी जो कटिंग मैंने लगाई थी मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ये इस कटिंग इसकी बहुत ही ईजिली लग जाती है। इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस कटिंग लेके आइए और ले आके कटिंग को आपको 2 दिन के लिए छोड़ देना है ड्राई होने के लिए, ड्राई हो जाए फिर इसको आपको कटिंग्स को मिट्टी में लगा देना है और ऊपर से आप जो कटा हुआ भाग है उसे हल्दी या फंगिसाइड पाउडर से कवर कर दीजिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर आता है वो
गीला होता है तो वहां से सड़ने का, फंगस लगने का डर बना रहता है। तो इस तरह से इसकी कटिंग लगाई जाती है। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो जरूर लगा ले। फिर दोस्तों उसके आगे चलते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट पौधा है वो है हरसिंगार का, जिसे हमने इसमें रखा है। ये मानसून के बाद करीब 1 से 1.5 महीने बाद इसमें अच्छी फ्लॉरिंग, बहुत ही हैवी क्वांटिटी में फ्लावर्स आते हैं, और जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो वाइट एंड ऑरेंज कलर में आते हैं और बहुत ही खुशबूदार फ्लावर्स होते हैं। इनकी भी कटिंग्स बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती हैं। इसके लिए आपको कम से कम इतनी मोटी ब्रांच ले लेनी चाहिए जिसमें काफ़ी अच्छे से रूट प्रोपेगेट हो जाते हैं। तो ये हरसिंगार का पौधा है जिसे आप कटिंग से लगा सकते हैं और बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपने नहीं लगाया तो ज़रूर इसे लगा लें अपने गार्डन में। फिर दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है ये आप देख सकते हैं, सदाबहार परमानेंट फ्लावर प्लांट है। ये इसमें देसी वैरायटी है और इधर ही हाइब्रिड है, तो दोनों ही कटिंग से इजीली प्रोपोगेट हो जाती हैं। देसी थोड़ी अच्छी होती है, इजी टू ग्रो होती है। जो हाइब्रिड होती हैं ये बारिश में ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से, ज़्यादा गीले होने की वजह से इनमें ये गलने लगते हैं पौधे, ये देख सकते हैं। तो अभी अगर आपके पौधे गलने लगे तो इनकी कटिंग से इनके ढेर सारे पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो कर लें। और इनकी जो कटिंग्स लगती हैं दोस्तों, ये इतनी मोटी ब्रांच जो है ये बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट हो जाएंगी। तो आप इसकी इतनी सी मोटी ब्रांच अगर आपको मिल जाती है, या फिर इसकी टिप भी मिल जाती है आपको, देखिए जैसे मैं ये दिखाऊं, इसकी ये टिप है, इसको भी आप कटिंग के तौर पे लगा सकते हैं। फिर दोस्तों इसके आगे बात करें तो ये है बोगेनविलिया। बोगेनविलिया कई कलर में अवेलेबल है और ये ऐसा पौधा है, इसकी सेमी हार्ड या हार्ड ब्रांच, जो काफ़ी हार्ड ब्रांच हो उसे भी आप कटिंग से बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये पौधा आप देख रहे हैं, ये कटिंग से प्रोपोगेट किया हुआ पौधा है, ये देख सकते हैं आप, और इसमें ढेर सारे फ्लावर्स आने स्टार्ट भी हो गए हैं। तो कटिंग से जो पौधे हम ग्रो करते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा होता है कि इनकी इनमें जो फ्लावर्स हैं या फ्रूट प्लांट्स जो भी हम कटिंग से ग्रो करते हैं, इनमें फ्रूट या फ्लावर्स बहुत ही जल्दी प्रोड्यूस करने लग जाते हैं पौधे। तो बोगेनविलिया को भी आप कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। फिर दोस्तों फ्लावर्स में हम बात करें इसके आगे, तो ये देखिए ये मेरा मोगरा का पौधा है। मोगरा अभी अपने जो ग्रोइंग पीरियड है या जो इसकी जो ब्लूमिंग है, फ्लावर्स हैं बहुत हैवी फ्लावरिंग पीरियड में अभी है। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में पूरे फूल, ऊपर से नीचे तक चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देंगे आपको। तो मोगरा चूंकि अभी अपने ग्रोइंग पीरियड में है, तो अभी इसकी कटिंग अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही ईजिली इसकी कटिंग डेवलप कर जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। कम से कम इतनी मोटी ब्रांच भी अगर आप लगाते हैं इसकी, तो इसकी ब्रांच जो है बहुत ही जल्दी प्रोपोगेट कर जाएंगी। इसकी कटिंग मैंने लगाई हुई है, मैं आपको अभी उसको दिखाता हूँ वीडियो में आगे। और इसके फूल बहुत ही खुशबूदार होते हैं, हालांकि एक दिन के लिए ही फूल रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं टिकते हैं। तो ये जो पौधे मैंने आपको दोस्तों बताया है, ये अभी अपने ग्रोइंग पीरियड में है, तो इस टाइम पे इनकी कोई भी कटिंग आप लगाते हो तो बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट करती हैं और आपको 100% रिजल्ट कटिंग में देखने को मिलता है। अब इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं कुछ सक्यूलेंट प्लांट्स पे, जो कि मेरे पास हैं, जैसे एडेनियम। एडेनियम की कटिंग आप लगा सकते हो, देखिए मैंने लगा भी रखा है और इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट भी हो गई है इस एडेनियम के पौधे में। तो एडेनियम की कटिंग अभी आप लगा सकते हो, हालांकि अगर आप चाहो तो सितंबर में स्टार्ट करें एडेनियम की कटिंग लगाना, क्योंकि तब तक बारिश रुक चुकी होंगी और बारिश में थोड़ा एडेनियम की कटिंग जो है वो हार्ड टू ग्रो होता है, क्योंकि फंगस का डर बहुत ज़्यादा इसमें होता है। जब पौधा गीला रहेगा, कटिंग्स इसकी गीली होंगी, तो वो फंगस इसमें आएगी। आप देख सकते हैं इसमें भी हल्का फंगस का अटैक तो आया था, पर फिर भी प्रोपोगेट हो चुका है। तो अगर आप बारिश बंद होने के बाद एडेनियम की कटिंग लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। फिर दोस्तों उसके बाद जो दूसरा पौधा है सक्यूलेंट में ही, ये है जेड प्लांट। इसकी कटिंग्स ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। इसकी आप चाहें तो सिंपल ये टिप है ऊपर की, इसको भी अगर काट के यहाँ लगा देते हैं तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसकी जो काट छाट की थी, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया था और इसको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छे से इसमें ग्रो हो चुका है, ये देखिए कितनी अच्छी रूट डेवलप इसने कर लिया है। तो ये एक पौधा तैयार हो गया है जेड प्लांट का। और ये देखिए सिर्फ इसकी टिप जो हमने प्रून की थी साइड ब्रांच, उसको हमने इसी गमले में यहाँ लगा दिया था और इसमें रूट्स आ गई हैं। इसी प्रकार हमने जो इसको बोंजाई बनाने के लिए, जैसे इसके नीचे के जो
साइड ब्रांचेज हैं उनको ट्रिम किया, तो उसे हमने कटिंग के तौर पे लगा दिया और ये सारी कटिंग सक्सेस हो चुकी हैं। तो एडेनी जेड प्लांट की कटिंग लगाना बहुत ही आसान होता है, अगर आपने नहीं लगाया है तो इसे लगा ले, बहुत ही आसान होता है और बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ कटिंग्स के लिए कैसी मिट्टी तैयार करनी है हमें। तो दोस्तों जो कटिंग लगाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए वो फिलहाल हमने जो बनाई है, ये देखिए ये मोटी वाली बजरी और साथ में कोकोपीट मिलाई हुई है। कटिंग ग्रो करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, बस जो मिट्टी में मॉइस्चर है वो बना रहे तो कटिंग्स ग्रो हो जाती है। जब एक बार कटिंग ग्रो हो जाए तो उसके बाद फिर आप इसमें काउडन कंपोस्ट मिला सकते हैं और पौधे को फिर ट्रांसप्लांट कर लें। इस प्रकार से जो मिट्टी हम बनाते हैं इसका दो फायदा होता है कटिंग ग्रो करने के लिए दोस्तों। पहला कि इसमें मॉइस्चर काफ़ी अच्छे से होल्ड होता है, मॉइस्चर होल्ड होता है, पानी नहीं रुकता है, काफ़ी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम इसका बनाया जाता है, तो इससे रूट खराब नहीं होती है, नीचे जो पौधा इस मिट्टी में गड़ा होता है वो खराब नहीं होता है, फंगस नहीं लगता है। दूसरा कि जब हमें ट्रांसप्लांट करना होता है तो इससे पौधे को निकालना बहुत ही ईजी होता है। तो इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं मिट्टी। और अब मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये है अपराजिता की कटिंग, इसकी जो साइड ब्रांचेज हैं हमें इसे हटा लेना है। साथ में ये है गुड़हल, इसकी भी साइड ब्रांचेज हटा लेंगे हम। और इसके अलावा दोस्तों ये है हमारे पास सदाबहार का, तो इससे भी जो हम इसकी पत्तियां हैं इन्हें हटा देंगे। अब दोस्तों कटिंग्स लगाने की कई तरीके होते हैं, कुछ रूटिंग हार्मोन्स के साथ कटिंग लगाई जाती है, कुछ एलोवेरा का यूज करते हैं, कुछ प्याज का, या फिर इसे टिश्यू पेपर के साथ यूज करते हैं, तो उसकी डिटेल वीडियो जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल जो मैंने कटिंग लगाई हुई है ये आपके सामने कटिंग है, इसको मैंने जिस तरह से प्रोपेगेट किया हुआ है मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ। तो मैंने सिंपल अभी जो मौसम चल रहा है कटिंग के अनुकूल मौसम चल रहा है, तो सिंपल आपको कटिंग्स लेनी है और इसको इस प्रकार से नीचे तक मिट्टी में दबा देनी है जो भी कटिंग्स हैं, और ये सारी कटिंग्स आपकी प्रोपोगेट हो जाएंगी बहुत ही ईजिली अभी के मौसम के हिसाब से। और इसमें आपको कर देनी है वाटरिंग, फर्स्ट टाइम वाटरिंग करनी अच्छे से, और वाटरिंग करने के बाद ये देखिए आप इस तरह से इसे किसी पॉलीथीन से ढक देना है। इससे क्या होगा कि इसका जो अंदर का मॉइस्चर है, ये जो कटिंग है हमारी इसका जो मॉइस्चर है वो निकलेगा नहीं, कटिंग सूखेगी नहीं और अच्छे से प्रोपोगेट होगी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ इसका रिजल्ट, जो भी मैंने लगाई हुई है कटिंग। आप ये देखिए इसमें जो पन्नी आपको दिख रही है इसके अंदर मॉइस्चर आपको दिख रहा है, काफी अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन किए हुए है। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये है मोगरा का कटिंग है हमारी, और ये देखिए ये हरसिंगार की कटिंग है, तो इनमें काफ़ी अच्छी बर्ड्स आ चुके हैं। बाकी ये देखिए ये भी हरसिंगार की कटिंग है और इसमें भी बर्ड्स आए थे, पर ये बर्ड्स ड्राई हो गए, अब नए बर्ड्स आएंगे। ये देखिए इस साइड से बर्ड आई हुई थी। इसके अलावा ये भी हरसिंगार है और मैं आपको करीब से दिखाऊं अगर दिखाई दे रहा हो इसमें, तो ये देखिए यहाँ से नई बर्ड्स स्टार्ट हो रही हैं आना और नई ग्रोथ, ये देखिए ये इसमें भी, ये अपराजिता की कटिंग है दोस्तों, इसमें भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों अब इस कटिंग की रूट भी देख लेते हैं, इसे बड़े हल्के हाथों से निकालना है, क्योंकि बालू में है तो आराम से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मोगरा की कटिंग है और इसमें रूट आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से डेवलप हुई है। तो दोस्तों कटिंग्स लगाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आपको सॉइल ऐसी बनानी है जिसमें नमी हो, पानी इकट्ठा ना हो, तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं और इसे कहीं भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो, जानकारी अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत